वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्। बात है, अपनी जो सत्ता है, आप अपने को मानते कि मैं हूँ, ये किस कारण के द्वारा जानते हैं? अभी बात हो सकती है जो धर्मांतरण बुद्धि से जानते हैं, मैं हूँ, अहम 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 ऐसा भान होता है तो बुद्धि से जानते हैं, वास्तव में बुद्धि से नहीं जानते आप। बुद्धि के आप नहीं हो, आपकी बुद्धि है, तो बुद्धि को आप जानते हो, बुद्धि आपको नहीं जानती। खैर नहीं बोले ऐसा, बिल्कुल बात सच्ची है, बुद्धि नहीं जानती, बुद्धि से अतीत है। मान बोले तो सुषुप्ति में बुद्धि लीन हो जाती है, उस समय में भी आप जगते हो तो मैं था ऐसे नहीं कि गया नींद मैं नहीं था, ऐसा आप अपने अभाव का स्मरण नहीं करते, किंतु अपनी सत्ता का अनुभव करते कि मैं था, मेरे को कुछ भी पता नहीं था, तो कुछ भी पता नहीं था मैं था, तो सुसुप्ति में आप कह जानते कि बुद्धि तो लीन होगी, मन लीन हो गया, इंद्रियां लीन हो गई, तो अपनी सत्ता किससे जानते आप? किसी कर्म से नहीं जानते हैं, ये अनुभव करो आप,
हरी भाई अनुभव को इस बात का कि हमें अपने आप का स्वयं का जो अनुभव है वो किसी कर्ण से साध्य नहीं है, कर्ण सापेक्ष नहीं है। जैसे सुनते हैं तो कान से सुनते हैं, देखते हैं तो आँख से सुनते हैं, चलते हैं तो बीच से चलते हैं, स्पर्श करते हैं तो त्वचा से स्पर्श करते हैं, चिंतन करते हैं मन से चित्त से चिंतन करते हैं, निर्णय करते हैं तो बुद्धि से निर्णय करते हैं, परंतु अपने आप का जो गुणातन है सोचा ये किसने करते सही में अपने आप से कर दू। अभी उनके स्वयं आत्मना आत्मानु वेद तुम पुरुषो तुम ही पुरुषोत्तम, आप ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं तो किस कर्म से सापेक्ष कर्म कर्म से तो कर्म की अपेक्षा नहीं है। तो जब आप कर्म की अपेक्षा नहीं रखते अपना ज्ञान में तो आप परमात्मा के अंश हैं, फिर परमात्मा का ही सापेक्ष कैसा होगा? तो कैसे हो तो अपने आप में ही जो मैं हूँ वो मैं हूँ उसमें है परमात्मा है, मैं परंतु अभिमान अहंकार के कारण हूँ दिखता है। अगर अहम में हो तो है ही रहेगा, तो हूँ है वो अहम में पर अहम है हूँ अहम ये है मैं परिणित हो जाए तो है ही है। अहम रहने से हूँ हुआ तो ये अंश हुआ परमात्मा का, क्योंकि अहम है ये प्रकृति का अंश है, उस अहम अंश को पकड़ने से आप अंश हो गए। अरे अंश को पकड़ो या अंश को न पकड़ो तो आप तो पूर्ण हो गए, पूर्ण मिल जाए। जैसे बूंद समुद्र से अलग होने से बूंद होती है, समुद्र से मिलने पर बूंद अथा समुद्र हो जाती है, क्योंकि समुद्र से अलग है नहीं, होती सकता नहीं, बूंद स्वतंत्र नहीं है समुद्र से अलग, उसमें मिलने से समुद्र हो जाती है। ऐसे हम भगवान के ही शरण हो जाए, भगवान के ही हमें हमारे केवल भगवान है, हमारा कोई संसार में नहीं, हम कोई संसार के नहीं है, हम भगवान के शरण हो जाते, ये बात आपको प्राप्त हो जाएगी, सीधी सारी बात है। अब इसमें अड़चन आती हो, बाधा आती हो, समझ में ना आती हो, बात आप पूछो वो कर्म सापेक्ष क्या है, कर्म विवेश होता है मैं हूँ वो किसका हूँ परमात्मा जो है परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है उसी का मैं हूँ, उसी में स्थिर रहो। मन में बुद्धि में इंद्रिया में शरीर में कुटुंब में घर में ऐसे में ये तो एक स्वाम है, हम करते हैं इसे धारण किया है, ऐसे काम करते हैं। हम है परमात्मा के, परमात्मा हमारे हैं, परमात्मा हमारे हमारे परमात्मा है, परमात्मा परिपूर्ण अपार असीम है। हम एक मन बुद्धि अहम के साथ संबंध करने से एक देश में हमारा अपमान होता है कि मैं हूँ, अहंकार को छोड़ दिया जाए तो परमात्मा सही है। इसमें शंका करो, आप जो शंका उठती हो जिसमें अड़चन पड़ती हो वो और मैं ये बात कही ये समझ में नहीं आए तो पूछो, कभी हमको समझे नहीं क्या बात कही। भगवान की शरण होने का क्या अर्थ है? भगवान की शरण होने का अर्थ है उनको है ना मेरा देना, है को दोनों रूप में देखा जा सकता है, दोनों है दोनों ही रहते है, दोनों से रहे दोनों उनको है मेरा देना अपना सर जो बस उनको है मेरे को मिला देना अपना सर की विशेष का बात मैं हूँ मैं हो गया हूँ है ही नहीं हूँ है ही नहीं है ही है हूँ रहेगा नहीं सुसुप्ति नहीं हूँ नहीं रहेगा मुक्ति हूँ कैसे रहेगा गाढ़ हूँ नहीं हूँ नहीं रहता तो वह हूँ कैसे रहेगा केवल है चित्त जाओ ये बात है रात से मना कर क्या न किंचन भी चिंतित कुछ भी चिंतन न करे संसार का परमात्मा का वो किस परमात्मा में स्थित हो गया चिंतन क्या करे। हम घर से बाहर है तब तो घर को ढूंढते हैं खोजते हैं किस गली में है कहाँ है कैसा है, और घर में आ गए तो घर को घर को खोजे घर में आया तो घर को ढूंढे क्या घर में आया क्या
घर में आना जो है मैं इसी क्यों जाना, हूँ जो है मैं इसी क्यों जाना। अब सिंगल क्या करें, किस का करें, है ही है। बोलो महाराज जी, कथा में ऐसा सुना है कि आचार्य विश्वनाथ जी के पास कोई शिष्य बनने के लिए आए, उनका कहा कि संसार में किसी भी जगह शक्ति है, उन्होंने कहा कि कहीं भी मेरी शक्ति नहीं, संसार में किसी जगह मेरा लगाव नहीं, तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे मंत्र से नहीं, संसार की शक्ति का ही परिवर्तन हम कर सकते हैं लेकिन अंकुर नहीं पैदा कर सकते शक्ति का। गोसाई विठल नाथ जी कहना है, हम शिष्य गए हो कि मैं संसार में आपकी शक्ति है, आसक्ति है कि नहीं तो परिवर्तन कर सकते, संसार में आसक्ति है कि नहीं तो परिवर्तन हो सके कि नहीं, हम परिवर्तन कर सकते, हम परिवर्तन कर सकते। वो शिष्य ने कहा, बुद्ध देव जी के शिष्य ने कहा कि अंत क्या, मैं जानता नहीं हूँ। उन्होंने पूछा कि तुम्हारी संसार में कहीं भी शक्ति है, उन्होंने कहा कि मेरी कहीं शक्ति नहीं, तो बोले तो मैं मेरे मतलब के तो नहीं, मेरे पास तो वही काम है कि अगर आपकी संसार में शक्ति है उसी का परिवर्तन हम गाड़ी ठाकुर जी की तरफ मोड़ सकते हैं, उसकी भक्ति का हमको पैदा नहीं कर सकते, वो ठीक है। संसार से अगर अशक्ति ज्यादा तरफ से हो तो फिर जैसे हम संसार से मुंह मोड़ते हैं सब तरफ से, तो कठोरता से मोड़ सकते हैं, कठोर ला के हृदय को, तो फिर उसमें संसार की शक्ति न होने से भक्ति मार्ग के लिए मार्ग कैसे मिलेगा। मैं ज्ञान मार्ग विचार होगा, जहाँ कहीं ऐसी जिंदगी हो तो शुभ उपस्थिति होगी, शुभ उपस्थिति हो जाएगी, कहीं आसक्ति नहीं होगी तो उसके जड़ के साथ का संबंध विच्छेद हो जाएगा, चंगा रहेगा केवल। उसमें भक्ति का अंकुर नहीं होगा क्या? भक्ति अंक होगा, परंतु वो अंकुर नहीं होगा तो कोई हल नहीं है, भक्ति से वो ही प्राप्त होते हैं, ज्ञान से भी प्राप्त होते हैं, भक्ति से ज्ञान से प्राप्त होने वाला एक ही तत्व है। कहीं आसक्ति नहीं है तो अपने आप में स्थिति है कि नहीं आप बताओ, अपने लड़कों से बताओ, जहाँ उसकी आसक्ति है वहाँ उसकी स्थिति है, अगर आसक्ति कहीं नहीं है तो अपने आप में स्थिति तो बोध होगा, स्वरूप स्थिति है, जो स्वरूप स्थिति है सम दुख सुख स्वस्थ स्वस्थ हो स्वामी से तो सम दुख सुख स्वस्थ संगोष्ठ आश्म काम करना तुल्य प्रिया पियो भी माना अपमान तुल्य मतलब सर्वरम परित्यागी गुणातीत है, सर्व चेती गुणातीत हो गए, सम दुख सुख स्वस्थ स्वस्थ होने से वो सुख दुख में समय हो गया, नहीं तो पुरुषा सुख दुख नाम भोगते थे, पुरुषा सुख दुखों के भोगता बन मृत्यु होता है, कौन पुरुषा प्रकृति से ही प्रकृति जो सुख दुखी होता है, प्रकृति में सुख नहीं रहेगा तो सुख दुख सुख हो जाएगा, क्यों स्वस्थ क्षमता हो जाएगी, प्रसन्नता रह जाएगी। अब उसमें ये बात रही कि तुलसी ममता राम सुनो सबका सब संसार राजन रोशन दोष दुख दास भय भोपाल, तुलसी ममता राम से तो समता सब संसार, तो ममता राम से होने से सब संसार हुई थी, उन्होंने कहने का बुद्धि की मारू आचार्य थे ना बिठल भाई महाराज, तो वे कहते हैं भी ममता तेरी कहीं नहीं रखोगे भगवान, और केवल ममता भगवान बन जाइए, और किसी ममता नहीं है तो वो अगर बन गए भगवान में क्या गया तुम्हारा है ही नहीं ममता, तुम क्या काम बोला तो क्या होगा, सब तो कुछ होगा स्वस्थ होगा स्वयं सुख होगा, भक्ति का अंकुर पैदा नहीं कर सकते, अंकुर पैदा नहीं कर सकते परंतु सच होगी, एक चीज है ऐसी लिखा तो वो ज्ञान मारे वाले भक्ति मारे को नहीं लेते, ज्ञान मारे में स्वस्थ में रहते, शब्द का स्वस्थ स्वस्थ ये गुणातीत की बात आई, गुणों से अति होने की बात आई, परमात्मा में स्थित होने की बात नहीं आई, यहाँ स्वस्थ अपने सुख में भी जो
तो स्वरूप में स्थित है, वो स्वरूप में स्थित रहने पर परमात्मा में स्थिति उसी स्वतः होगी। कैसे होगी? जैसे आपकी जगह स्थिति हुई, आप ऊपर चढ़े तो वहाँ स्थिति का जो सुख है, वो सुख आप लेते लेते उस सुख से तृप्ति होगी, तो उस सुख से ऊंचा आप साथ ऊंचे हो जाओगे। जिस पैड़ी पर आप चढ़ गए, एक पैर रखा, दूसरा पैर भी उसी पैड़ी में आ जाएगा, तो अगले पैड़ी पर आप चढ़ जाओगे। संतमरों पर ठीक आराम जमीन पर, एक पैर वही रह, एक पैर वहाँ ऊंचा उठा, आप नहीं चढ़ सकते। पर दोनों पैर एक सीढ़ी पर आ जाएगा तो अगले पैर चढ़ेगी। इस वजह से हम भक्ति का अंकुर पैदा नहीं कर सकते, परंतु स्वतः होगा। क्यों होगा? कि जिसका अंश है उस तरफ वो खींचेगा। जैसे पत्थर कितने मिला था, वो पृथ्वी तरफ खींचेगा, बहुत दूरी चले जाएंगे तो भी पृथ्वी को खींचेगा, तो पृथ्वी का अंश है। आग कहीं सूर्य उठ नहीं जाएगी, क्यों? सूर्य ऊपर है, जगह कहीं से लगता है, समुद्र में लगा, क्यों? समुद्र का अंश है। ऐसे ही स्वयं परमात्मा का अंश है, तो अपने किसी आसक्ति नहीं, कहीं राग नहीं है, किसी लगा नहीं है, तो अपने आप में से कहो, ये तो मानोगे और क्या मानोगे, बस आप बताओ कि कहीं भी राग नहीं है तो उसकी स्थिति कहाँ है? ये श्रद्धा सहजा श्रद्धा है, वही उसकी स्थिति है। तो कहीं भी राग नहीं है, कहीं आसक्ति नहीं है, कहीं प्रीति नहीं है, कहीं खिंचाव नहीं है, तो अपने आप में से यही होगा और क्या होगा? और आप संकल्प रहेगी, जैसे भागवत जी में आता है, ब्रह्मा हाँ। जी कहते हैं वो जो ज्ञान के भक्ति को छोड़कर ज्ञान के लिए प्रयत्न करते हैं, उसको तो वो अवहेलना करके करते हैं, भगवान की अवहेलना करते हैं, तब ऐसा भगवान की अवहेलना करे। तो ये मैं बहुत बार कहता हूँ, तुम ज्ञान मार्ग में चलते भक्ति की अवहेलना मत करो, भक्ति में चलते हुए ज्ञान की अवहेलना मत करो। आज भक्ति में रहने वाले ज्ञान की अवहेलना करते हैं, उनकी स्थिति असली नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। अवहेलना करते यहाँ अल्लाह जितना देखा जाए, हम ज्ञान मान नहीं मानते, हम ये नहीं मानते, हम तो ऐसे है, बासंबर पैरी हुए, हम भाग ऐसे है, हम दूसरे मानते, ये नहीं मानता, ज्ञान को मानते नहीं। तो ज्ञान नहीं मानने से भक्ति आसक्ति में परिणत होगी, राग में परिणत होगी, भोग में प्रवृत्ति होगी, ऐसे कहेंगे, पर भगवान में साझे देंगे तो चले नहीं जाएंगे, वहां वहां चुप हो जाएंगे, लड्डू एक आदमी चुप हो जाएंगे। वही अवहेलना करने वाले अवहेलना है, ज्ञान उपाय से है ना, जो ज्ञान मान हिम्मत, हाँ ज्ञान मान हिम्मत, ज्ञान मान ज्ञान का अभिमान है, ज्ञान नहीं है, ज्ञान मान विमत भव भगति आयोगी भगत आये पाए दुनिया पदा दे प्रसंग देखा कहीं पसंद होगा तुम्हें जो राग होगा। ये जो एक चीज है तात्विक चीज है, आप खूब गहरे करके प्रसंग हो तो पता लगे, कोई जीव ऐसा नहीं जो सहारा किसी का लेता ना, कहीं जो सहारा लेता है, तो वो सहारा कब लेगा? जब अपने आप में पूर्ण तृप्ति नहीं होगी तो सहारा लेगा ही लेगा, परमात्मा लेगा, और क्या लेगा? असत्य कहीं है नहीं, राग है ही नहीं। और ऐसा कहते हैं हम नहीं मानते, उनके खाने पीने में देखो तमाम कैसे ही है। आज ऐसे आपको दिखे कि वो बिल्कुल क्या मार्ग की अवहेलना करते हैं, लड्डू नहीं सो छोड़ सके, उनका अभिमान शुरू हो जाएगा, सामने लड्डू देगा वहाँ टीके जाएंगे। आप देख रहे ज्ञान की अवहेलना करके, ज्ञान की नहीं भक्त, ज्ञान की अवहेलना करके हम भगत हैं, हमें किसी निरुक्त नहीं, ऐसे पुरुष है वो लड्डू में आसक्त हो जाएंगे। आप देख लेना, परीक्षा कर लेना, फिर आ जाना मेरे पास, ईर्ष्या हो जाएगी, द्वेष हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, ये सब हो जाएगा। ये क्या है? ये जैसे ज्ञान मान है जी, भक्ति मान है, भक्ति का अभिमान है, भक्ति में ही वो भक्ति अगर स्थिर होगी तो ज्ञान की अवहेलना नहीं होगी। ये बात वो कह सकते हैं, हमें जरूरत नहीं ज्ञान की, ज्ञान है बहुत अच्छा, पर हमें जरूरत नहीं।
तो भगवान ज्ञान देते हैं, भला में बुद्धि योगम तम ये नाम तेसाम एव अनुकंधार्थम अहम अज्ञान तमाम नाशी आत्म भाव तो ज्ञान के अनुभव होता उनके भीतर में अज्ञान के अंधकार मैं दूर कर देता हूँ ज्ञान जीत के द्वारा। गीता में भक्ति का तो गीत ज्यादा है, गीता में भी भक्ति का गीत है, महा सत्य क्षेत्र अपने पूछते है ना ज्ञान की में आ जाए सब भक्ति की प्रधानता भक्ति रहे रहेगी अपना जितना विवेचन है भक्ति की प्रधानता है भक्ति बात है भक्ति की प्रधानता हम कहते वृक्ष से आत्मनि अथो मई पहले मेरे को बोलेगा अपने आप में पहले मई मेरे में परमात्मा अपने आप में स्थिति होने पर परमात्मा तो स्वतः सम्मुख हो जाएगा विमुख होने में तो अजरता का राग यश है जो हो जाएगा भक्ति मार्ग होता ज्ञान मार्ग हो अवेयरनेस जो नहीं होगा अपने आप होता है अवेयरनेस भक्ति में भी अवेयरनेस ज्ञान की करेंगे तो ठीक नहीं ज्ञान मार्ग में चलते हो भक्ति की अवहेलना करे ठीक नहीं। आज संप्रदाय में दोष ही है कि अपने संप्रदाय को ठीक मानते दूसरे की अवहेलना करते हैं वो अवहेलना जो अपने अपने मार्ग में अपने संप्रदाय में सिद्ध नहीं होने देगी अपने मार्ग में तो दिलता है तो ठीक है दिलता तो अच्छी अगर क्योंकि अवहेलना ठीक नहीं है अवहेलना पुरस्कार है उसमें एक बड़ा भारी दोष है कि उसकी सत्ता स्वीकार करी है कि नहीं जिसकी अवहेलना करते हैं उसको सत्ता मानते हैं नहीं हम तो सत्ता अलग रहेगी एक जैसी हो गई जानते तो हम उसकी अवहेलना करते हैं खुद की एक देश में से रहेंगे तुम जहाँ ज्ञान है वहां तुम्हारे भगवान नहीं है ना तुम हो अब तुम होते और भगवान होते तुम अवहेलना कैसे करते तुम से भगवान छोटे हैं ऐसी बात आप पूछो संप्रदाय की बात खूब पूछो भारतीय तत्व की दृष्टि जो आपने जो बताई है को देखने वाली हाँ। ये हर समय कैसे बनी रहे कैसी बात है इसमें हर समय जो है उसमें असम ही रहेगा ये हर समय रखने की बात नहीं है आप वो ही कर्म साध कहते हैं असम कैसे तो कर्म साध नहीं रहेगा दृष्टि संसार के ऊपर चली जाती है तो चली जाती है तो चली जाओ बिल्कुल जाएगी आप नहीं जाओगे पर आप वृत्ति चली जाती है तो वृत्ति के द्वारा ही आप उसमें चाहते हो बिना वृत्ति के नहीं चाहते बात चलती कर्म निरपेक्ष की बात देखो जो विषय चलता हो उस विषय बात करनी चाहिए ना वृत्ति चली जाती है मैं स्थिति होने पर कैसे वृत्ति चली जाएगी है मैं स्थिति नहीं हुई है उसको समझा ही नहीं है वृत्ति कैसे चली जाएगी चली जाएगी वृत्ति से आ गई वृत्ति है वृत्ति प्रकृति है प्रकृति प्रकृति चली जाएगी वह हम लोग वर्तन थे ऐसी हमारे ऐसी क्या हुआ हमारी दृष्टि है हमारी वृत्ति है तब तो वो जाती है गलती होगी हमारी वृत्ति नहीं कहीं जाओ वृत्ति तुम बात को खेल गहरी थी समझो आप तत्व से गहरी रीति से समझो तत्व को अब जो महाराज वो कह रहे हैं तुम ये कह रहे हैं कहीं तुम्हारा राग हो तो परमात्मा में लग जाए है ही नहीं जान कहीं लगाऊ जैसे बिंदु मंगल थे बिंदु मंगल का सब कैसे वृत्ति हटे देशा में लग गई अल्पेशन काल भगवान वाले की सची वो बीस दिन पहले हटी थी अब वो है जो भगवान हो गई वो सब तुलसीदास महाराज अपने स्त्री में स्त्री होकर भगवान में हो गई कहीं एक केंद्रित हो जाए तो वो हो जाए भगवान है तुम्हारे केंद्र तो हुई नहीं किसी को नहीं है तो हम कैसे लगाना भाई तुम्हारा ठीक है ना आचार्य हुआ खूब कह रहे समझो इस विषय को बहुत बड़ी भारी आवश्यकता है सांप्रदायिकता है बड़ी भारी बाधक है तो तत्व की प्राप्ति में तो परंपरा किसी की जो आग्रह है दूसरे की अवहेलना है अपना एक आग्रह है वो बाधक है संप्रदाय बाधक नहीं है संप्रदाय के सिद्धांत बाधक नहीं है अपन में एक बड़प्पन का अभिमान दूसरे का अवहेलना तीसरा ये व्यक्तित्व टूटने नहीं रहेगा।
अपना दुख से रहेगा। और दुख तो कुछ नहीं है, कुत्ते को कुत्ते को बुलाए मैं बड़े तुम क्यों आ रहे हो स्वामी जी बैठाने की कोशिश ये है ज्ञान सदा है एक तरफ तो ईश्वर जी ना भेद का होकर वो ज्ञान एक तरफ सदा है तो भी कोई शक्ति बता दो एक रस्ते भगवान हो जाएगा भगवान हो जाएगा एक रस रहेगा प्रभु में हो जाओ तो लेकिन एक रस ही रहेगा कभी भिन्नता नहीं होगी। भगवान ने दोनों को प्रिय बदला है भगत को भी प्रिय बदला है ज्ञानी को भी ज्ञानी मतोधिकम बदला है और ये भी बदला है की ज्ञानी तो आत्म ही मैं मतम और ये भी बदला है की चार प्रकार के मेरे भगत है चार मुझे प्रिय है आत्मभूतन उदाहरण दिए भक्ति के लिए ज्ञान का कौन उदाहरण दिया ऐसा है ज्ञानी से अकट ऋषभ आदि ज्ञानी से हुआ भगत ही आदि चतुर्विधा भजन के उनमें तो हुआ भजन के माम तो भगवान में ज्ञानी हुआ ये भक्ति क्या तरह के है आप जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी ये चार तरह चतुर्विधा भजन के माम भगत हुआ चारों ज्ञानी भगत में आ गया हाँ भगत में भगत में ज्ञानी भगत भगत की अवेलना कैसे करता है स्वयं में भगत है कैसे कर लेता है ज्ञानी भक्ति ज्ञानी होता है वो ये ज्ञानी चतुर्विधा भजन के ये ज्ञानी नहीं है ये ज्ञान मान मनुष्य है ये मेरे बिंदास विमुक्त मान ना अपने को मुक्त मानते हैं ऐसा अभिमान करते हैं उनका नाम वो अवेलना करते हैं भगवान कहते हैं ज्ञानवान मान पर प्रज्ञन थे ज्ञानवान का वहाँ ज्ञान वाला अर्थ है ज्ञान मान नहीं है। देखो आपने व्याकरण पता है ना तो एक तो मतुप होता है एक वति प्रत्यय होता है पेड़ की लिंग से एक वति प्रत्यय होता है एक तदस अस्त्र मतुप मतुप होता है तो ज्ञान मान होता है वो मतुप होता है वति प्रत्यय नहीं है वति में वान होता है और मतुप में मान वह हो जाता वान होता है ज्ञानवान है तो ज्ञानवान मानो ज्ञानी और ज्ञान मान ना है ज्ञान के अभिमान का ज्ञानवान मान पर प्रज्ञत है ज्ञान मान बताओ कहाँ है ज्ञानवान मान पर प्रज्ञत हाँ जी तो ज्ञान वाला हुआ मथु में और वति प्रत्यय में फर्क नहीं होता ज्ञानवान ऐसे ही होता दोनों में तो ज्ञान मान होगा वहां अभिमान होगा मातुप और वती दो प्रत्यय होते हैं धनवान तो धनवान हुआ तो धन वाला हुआ ये तो ज्ञान वाला हुआ ज्ञानवान ये मेरे बिंदास विमुक्त मानी ना भागवत में विमुक्त मानी लघुगम पढ़ी है ना लघुगम जैसी दांसा तो फिर ये जो आया है काली मन्या मनुष्य मानेंगे जो क्या होता है उसमें से जो खर्च होता है कसो मुख्य आदेश होता है ज्ञान मानी पनुष्य मानी कारण बन गया लोगों में आया कारण बन गया आप मान कारण बन गया लेकिन कारण बन गया कारण मानी निर्माण मोह वाला जो अर्थ है तो वो इसी में घट गया निर्माण मोह नहीं है मान उसमें भी है मान से निर्माण मोह है मान रहित मोह रहित है निर्माण मोह का अर्थ होता है मान मोह से रहित है अब ये नहीं है उसमें ये विशेष क्या नहीं मन आता ही नहीं काली मनिया आत्मान पंडित मन चाहिए पंडित मानी नारायण ने कहा ज्ञानी प्रभु ज्ञान विश्व ज्ञान प्रभु ज्ञान को विशेष प्रिय भगवान ये भाई प्रिय ही ज्ञानी है चर्च हम अहम सच मन प्रिय भाई कह रहे तो ये ज्ञानी भक्त है ये ज्ञान मान नहीं है ज्ञान का ही नाम नहीं है चतुर्विधा भजनते नाम जना सुर में ज्ञान वहाँ आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च ये चार प्रकार भगत है ज्ञानी भगत है वो अपने प्रेमी माना है अगर प्रेमी ज्ञानी का शब्द प्रेमी किया उन्हें
या ज्ञानवान हो, ऐसा नहीं है। अपने सब साधु संजीवियों ने टीका लिखी है, उसने ज्ञानी का अर्थ प्रेमी किया। ज्ञानी जो भी मतों दिखा, तो ज्ञानी क्यों भी मतों दिखा देगा, ज्ञानी अधिक आगे, ज्ञानी से भी अधिक योगी तपस्वी दिखो योगी, ज्ञानी ग्रोह मतो दिखा कर्मी स्वस्था दिखो योगी, तस्मात योगी भगवान योगी को अभी बताया, योगी ना समझा रहा नहीं, ये तो प्रथम दर्शन का योग है, गीता का योग नहीं है। गीता का तो समर्पण योग होते थे, अपने परिभाषा है नारी समर्पण योग है। हाँ जी, गीता का ना योग गीता मानती उसको भी, पर गीता खुद का सिद्धांत है समर्पण योग होते थे। गीता ज्ञान की परिभाषा समता है, चित्रवृत्ति निरोध नहीं है। चित्रवृत्ति निरोध कोई आम वृत्ति है गीता, सारे संजीव है उस पर अपने दर्पण लिखा है कि सब दर्पण, उसने आप देखो मैंने दे रखी है पढ़ी है। हाँ, आप कभी है कि उसमें दर्पण देखो कि सब दर्पण में योग शब्द का अर्थ क्या है, योगी शब्द का अर्थ क्या है, कहाँ कहाँ योग का शब्द क्या क्या अर्थ किया है, सब दर्पण खोल कर याद रखा कहाँ योगी का अर्थ क्या लेना चाहिए, उसमें भी लोग आ रहे योग से योग करना, योग ऐसा नहीं किया था इसमें सारी थोड़ी सी क्षमा करना। तस्मात योगी भवाद्यम में योगी जो है उस योगी की क्या व्याख्या है, समता वाला हो गया, समता वाला हो गया, समत्तम योग है। समत्तम योग तो ये है कि हनुमान जी को कहा भगवान ने कि तू लक्ष्मण से दूना पिए है और वो चरणों में गिरे। आपने भगवान ने कहा ये गुण है अनन्य है, तू अनन्य भगत है इसलिए मुझे प्रिय है। तो हनुमान जी ने पूछा अनन्य किसे कहते हैं, तो भगवान ने उसकी व्याख्या और विशेष रूप से करी। सो अनन्य जाके अस मत न करे हनुमान, मैं से लोग सचराचर रूप राशि भगवान जो है नहीं। हाँ जी, तो सर्वोत्तम योग आ गया, सुनता नहीं सर्वोत्तम योग इसमें बराबर आगे उत्तर का। फिर भगवान कहते हैं कि भजनते जगता, जो गीता ने भी कहा कि भजनते जगता ये शांतम विदतम पापम जनाना पुण्य कर्मणा मुक्ता भजनते नाम जगता। उधर भगवान कह रहे हैं खुद सभी कृष्ण भगवान कह रहे हैं, उधर भगवान राम जी कह रहे हैं, भगवान राम जी साथ में जाएगा, साथ में जाएगा सात वैसे लोग बारह में तक भक्ति का ही वर्ण माना है आचार्य ने। अच्छा, उधर भगवान राम जी कह रहे हैं सगन उपासक पर हित निरत, अपना पर ज्ञान की विशेषता न रही, सगन उपासक पर हित निरत भजन मोहन जग ने तेंदर अपान समान मंजन के दिल पद प्रेम। ब्राह्मण कहीं तो ठीक है, एक प्रकरण में जहाज जिसका प्रकरण है वो ठीक है, वो प्रकरण समझो ठीक है अच्छी तरह से। क्या अर्थ हुआ केवल भगवान, केवल भगवान की परायण है, केवल भगवान की परायण है सदर उधर से नियम है ये दृढ़ बस है। ये शांत पाप कैसे नष्ट हुए, पाप कैसे नष्ट हुए, भगवान के सन्म को होते ही सन्म को मोहि मोहि जब ही तब फिर कैसे पाप पाप मंत्र करता है स्वभाव भजन मोहता भाव लगा प्राप्त मेरे को। हर एक विषय है उस विषय को समझो, टीका की जाती है उसका तात्पर्य होता है कि कहाँ किस विषय में ये बात कही है, तो उनको ठीक से समझो। अगर वो समझ उठपुट आप देखे उठपटांग लोग आप पूछो तरह चिन्ह कर लो उसमें, और ये उठपटांग बात कैसे लिखी, भक्ति में ज्ञान की लिख दी, ज्ञान में भक्ति की लिख दी, आपने कैसे लिख दिया, आपने कैसे आप पूछो और बात करेंगे, मेरे को नई बात मिलेगी, मेरे को फायदे की बात है अगर सुधार कर देंगे। ज्ञान चक्षु वाला मतलब देखता है, उधर जो है वो भक्ति जो है वो भक्ति वाला लोग धन्य जैसे और बड़े बड़े अनजान है उनको भगवान दर्शन दे रहे हैं। तो जो गीता में श्लोक आया
कि जो मन समझते नृत्य शास्त्र से हम सुलभा पास उधर ये भी देख रहे हैं, उधर ज्ञानवान भी देख रहे हैं, उधर सुलभा पास भी देख रहे हैं, ये भी कह रहे हैं आप देखो। हाँ जी, पहला हमारी टीका है वो देखो, उसमें विरोध आता है उनको। अच्छा देखेंगे, देखो हम गरीब नारायण कर्म निर्देश बात होगी तो बुद्धि मन के द्वारा नहीं होगा, स्वयं के द्वारा होगा। कर्म निरपेक्ष जो साधन है वो मन बुद्धि के द्वारा नहीं होगा, स्वयं आत्मा आत्मा नहीं है, स्वयं अपने आप से अपने आप को जानते हैं, ऐसे स्वयं अपने आप से ही अपने आप को जाने दो, मन बुद्धि के द्वारा नहीं, इंद्रियों के द्वारा नहीं, वो कर्म निरपेक्ष। बात चले की कर्म निर्देश साधन की, तो कर्म सापेक्ष साधन भी है, कर्म निर्देश साधन भी है। कर्म निर्देश जल्दी प्राप्त कर देता है, क्योंकि अपेक्षा कर्म की है ही नहीं, और कर्म की अपेक्षा जड़ की सहायता लेनी पड़ेगी, तो जड़ की सहायता से प्राप्ति नहीं होगी, जड़ के ख्याल से प्राप्ति होगी। ये उस बात